को 2013 से पहले रेसर थी, 100 मीटर भागती थी, लेकिन सर उससे मेरी डाइट की खर्च नहीं निकल पाती थी। मैं 2-3 नेशनल भी उससे खेली तो मैं देख रही थी, पास में मेरी बिछिया में ब्यामशाला है, वहाँ पर सारे लड़के लोग लड़ रहे थे, आस पास में दंगल हो रही थी, तो मैं जाकर देख रही थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे उसे इनाम राशि से 200 रुपये मिल जाएगा तो मैं अपनी डाइट की खर्च निकाल लूँगी। ऐसे ही देवानिया में फर्स्ट बार सीनियर कुश्ती हुआ था, मैं वहाँ पर गई थी, मुझे मेरी 3rd मेडल लगा था। ऐसे ही मुझे लालच पड़ गई कि मैं कुश्ती लड़ूंगी तो मुझे 100-200 रुपये मिले, मैं डाइट की अपनी चना बादाम की खर्च उठा लूँगी। सर ऐसे करते करते मैं गोपालगंज में गई तो फर्स्ट बार मेरी स्टेट में 1 गोल्ड मेडल आया, दूसरे के बाद। तो फिर मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान वहाँ आंध्र प्रदेश में खेलने गई थी। इसी तरह सर मैं हल्का हल्का मेहनत करने लगी। सर बिछिया में व्यायामशाला नहीं है कि मैं प्रैक्टिस करूँ, यहाँ पर लड़के लोग की प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर लड़के लोगों का परमिशन नहीं है, लेकिन मैं एक गांव की मिट्टी की अखाड़ा है उसी पर मेरी श्री बलदेव चाचा उस्ताद हैं, वही मुझे प्रैक्टिस कराते हैं। सर घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूँ, पिताजी हैं तो टीवी के पेशेंट, वो भी सामान्य रूप से ठीक नहीं है। एक भाई हैं तो वो भी अलग है, उनकी शादी हो चुकी है। एक छोटा भाई है, अब मैं छोटी बहन है, मम्मी छोटी किराना की दुकान है, उसी से अपना खर्च चलाते हैं। इससे भी नहीं हो पाया सर तो मैं गांव में ब्यूटी पार्लर खोली सर। खेती बाड़ी है आपके पास? सर एक भी बीघे जमीन नहीं है। और ब्यूटी पार्लर खोली, ब्यूटी पार्लर से भी लॉकडाउन से सही बंद हुआ है, उससे भी कस्टमर गाँव में नहीं आ पाते हैं सर। तो ऐसे में क्या केंद्र से या फिर राज्य से किसी के द्वारा कोई मदद मिला या फिर? अब तक तो कोई मदद नहीं मिला सर, अब तक मैं पढ़ाई की होती तो अब तक मेरी जॉब हो गया होता, लेकिन क्योंकि सर मैं 14 नेशनल खेल चुकी हूँ, लेकिन अब तक बिहार सरकार या भारत सरकार अब तक कोई मुझे सुविधा नहीं दिया सर। अगर सरकार मुझे सुविधा दे तो मैं बहुत बेटर कर सकती हूँ, आगे बहुत अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकती हूँ सर। तो अभी आप परिवार की तंगी को देखते हुए इस समय आप क्या कर रही हैं? सर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मैं अभी गांव में ब्यूटी पार्लर के आश्रित रहती थी, लेकिन वो भी सर चल नहीं रहा है, खर्च नहीं चल पाता है। सर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? सर 10-20 दिन पे 1-2 कस्टमर आती है, 10-40 रुपये मिल जाता है सर, चना के लिए भी पैसे नहीं मिल पाता, फैमिली खर्च नहीं चल पाता है, नहीं चल पाता सर। तो सरकार से आप क्या आग्रह करती हैं, क्या मांग करती हैं? सरकार से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं सर कि अगर सरकार मुझे मदद कर दे तो मैं बेटर कर सकती हूँ, इंडिया के लिए मेडल दे सकती हूँ। क्या नाम होगा आपका? सर मेरी नाम अनु गुप्ता। गाँव? हाँ। ना भैया ना ठीक मोबाइल।